नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सामने से देखिए, ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए। ये दो पंखुड़ियाँ 10 फंदे पे बनी हुई हैं, तो 10 के मल्टीपल फंदे हमें चाहिए, तो हम आसानी से ये बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। तो पहले 5 फंदे सफ़ेद रंग या अपने प्राइमरी कलर से सीधा बुन लें, फिर अगले 5 दूसरे रंग के ऊन से सीधा, फिर नेक्स्ट पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर अगला 5 रंग 5 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा। इस तरह 5-5 फंदे हम दोनों रंग से बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदा सफ़ेद, 5 फंदा हरा, 5 फंदा सफ़ेद, 5 फंदा हरा, इस तरह बुनते हुए हम पहला लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो और रॉन्ग साइड। अब हरे रंग का जो 5 फंदा है, तो हम 4 फंदा हरे रंग से हम बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5वां फंदा हम सफ़ेद रंग से बुनेंगे, और इस 5 फंदों में से पहला फंदा हम हरे रंग से बुनेंगे और शेष 4 फंदा हम सफ़ेद रंग से। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब 4 फंदा हम हरे रंग के ऊन से सफ़ेद हरे रंग के ऊन से उल्टा बुनेंगे, और हरे रंग वाला लास्ट फंदा हम सफ़ेद रंग से बुनेंगे, और इसमें सफ़ेद रंग वाला पहला फंदा हम हरे रंग से बुनेंगे और शेष 4 फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से। इसी तरह हम पूरी लाइन दोहरा लेंगे। 4 फंदा हरे रंग के ऊन से, 5वां फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से, और सफ़ेद वाले में से पहला फंदा हरे रंग के ऊन से, और शेष 4 फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। अब देखिए, 4 फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से है, तो हम सिर्फ 3 फंदा ही सफ़ेद रंग के ऊन से बुनेंगे, और ये 2 फंदा, एक हरा हमारे पास है, एक हरा हम और बुन लेंगे, तो 2 हरा हम बुनेंगे, और यहाँ पे एक सफ़ेद है, तो एक सफ़ेद और हम बुन लेंगे, 2 सफ़ेद फंदा हम बुनेंगे, और फिर ये 3 हरा इसको हरे से बुनेंगे। और इसी पैटर्न को हम इन 10-10 फंदों में दोहराते जाएंगे। ये हमारा जो लीफ है, तो उसका 3 फंदा हम सफ़ेद रंग के ऊन से, 2 फंदा हरे रंग के ऊन से, और ये दूसरी जो लीफ है, उसका 2 फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से और 3 फंदा हरे रंग के ऊन से। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड। अब देखिए, 3 फंदा हरे रंग से है, तो हम सिर्फ 2 फंदा हरे रंग से बुनेंगे, 1, 2, और 2 हरा है, और इन 3 फंदे को हम सफ़ेद बुन लेंगे, 1, 2, 3। इन 5 फंदों में 2 हरा 3 सफ़ेद, और इधर 3 हरा 2 सफ़ेद, इसका अपोजिट। तीन हरा और 2 सफ़ेद। इन्हीं 10 फंदों को हमें दोहराना है। देखिए, ये पंखुड़ी है, तो 3 हरा है, तो इस समय हमें सिर्फ 2 हरा बुनना है,
और ये तीन फंदे सफेद हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए तीन सफेद है तो हमारे पास दो सफेद हो जाएंगे और तीन हरा हो जाएगा। एक दो तीन हरा और यहाँ पे सिर्फ दो सफेद रह जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे दो हरा रह जाएगा और तीन सफेद हो जाएंगे। दो हरा और तीन सफेद। यहाँ पे तीन हरा और दो सफेद। पांचवी लाइन में ये एक फंदा और आगे बढ़ जाएगा और चार हरा हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही सफेद रह जाएगा, एक सफेद और फिर चार हरा। और यहाँ पे देखिए एक फंदा और बढ़ जाएगा और इसका अपोजिट यानी चार सफेद और एक हरा। यहाँ पे अब ये क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे एक सफेद रह जाएगा और चार हरा हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका अपोजिट यानी चार सफेद और एक हरा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। छठी लाइन में अब ये पेटल जो है वो पूरा हो जाएगा, यानी पांच सफेद हो जाएंगे। तो पांच सफेद पांच हरा, पांच सफेद पांच हरा, पांच सफेद हो जाएगा। और पांच हरा। फिर पांच सफेद पांच हरा। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं लाइन में फिर पहली लाइन की तरह शुरू हो जाएगा, यानी चार फंदे हरे बुने जाएंगे और बीच वाला फंदा सफेद और इस साइड का इसका अपोजिट यानी बीच वाला फंदा ये हरा। तो सातवीं लाइन में चार फंदा हरे और पांचवा फंदा सफेद और इन पांच में एक फंदा हरा और चार फंदा सफेद। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। चार फंदा हरा बुनना है और पांचवा फंदा सफेद और इन पांच फंदों में पहला फंदा हरा और चार फंदा सफेद। आठवीं लाइन में तीन फंदा सफेद और फिर दो फंदा हरा। यहाँ पे दो फंदा सफेद यानी इसका अपोजिट दो फंदा सफेद और तीन फंदा हरा। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा सफेद, दो फंदा हरा, फिर दो फंदा सफेद और तीन फंदा हरा। नाइन्थ रो में दो फंदा हरा और तीन फंदा सफेद और इस पेटल में इसका अपोजिट यानी तीन फंदा हरा और दो फंदा सफेद। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो
ये फंदे भी अपोजिट ही जाएंगे, दो फंदा हरा और तीन फंदा सफ़ेद, और यहाँ पे तीन फंदा हरा और दो फंदा सफ़ेद। इन्हीं दसों फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। टेंथ रो और रॉन्ग साइड, एक फंदा हरा, एक फंदा सफ़ेद, फिर चार फंदा हरा, और यहाँ पे इसका अपोजिट यानी चार फंदा हर सफ़ेद और एक फंदा हरा। इन्हीं दसों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा सफ़ेद, चार फंदा हरा और चार फंदा सफ़ेद, एक फंदा हरा। ग्यारहवीं लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी पांच फंदा सफ़ेद, पांच फंदा हरा, पांच फंदा सफ़ेद, पांच फंदा हरा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फंदा सफ़ेद था तो इधर एक फंदा हरा, यहाँ पे दो फंदा सफ़ेद तो दो फंदा हरा, यानी इसका अपोजिट ही इधर बनना है। तो डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।